मॉब लिंचिंग के बाद यूपी में अब बच्चा चोरी की अफवाहों से लोगों की जान पर आफत आ गई है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों और लखनऊ में अफवाहों के बाद हुई घटना ने पुलिस का सिर दर्द और ही बढ़ा दिया है। ऐसी ही घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर भी अछूता नहीं रहा। दरअसल यहां सीएम सिटी में बुलेरो गाड़ी सवार एक महिला को लोगों ने बच्चा चोरी के शक में गाड़ी समेत घेर लिया। कोई अनहोनी होती इससे पहले ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को चौकी ले आई। हालांकि महिला को तो पुलिस ने बचा लिया, लेकिन भीड़ ने उसकी गाड़ी बुरी तरह से तहस नहस कर दी। मामले में पुलिस ने 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बच्चा चोरी के शक में चार पहिया गाड़ी सवार महिला को भीड़ द्वारा घेरने की घटना गोरखपुर के कैंपियरगंज इलाके की है। यहां जनपद कुशीनगर निवासी अख्तरी खातून बेटी तरन्नुम निशा और बेटे मुन्ना के साथ बुलेरो से कैंपियरगंज के रास्ते गोरखपुर की तरफ लौट रही थी। बुलेरो मछली गांव चौराहे के पास पहुंची ही थी कि अख्तरी खातून गाड़ी से उतरकर नमाज पढ़ने के लिए दुकान में चली गई। इसी बीच ग्रामीणों को पता चला कि महिला बुलेरो गाड़ी से आई थी, तो उन लोगों ने तोड़फोड़ करने के साथ ही हंगामा करना शुरू कर दिया। बिगड़े हालात को काबू करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। प्रदेश में इस तरह का अलर्ट हमें पुलिस ने भी दिया है कि इस तरह की अफवाहों से बचें कि ये बच्चा चोर गैंग है या कोई इस तरह से लोग आ गए हैं, कहीं 50 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, इस तरह की कोई बात नहीं। लोग अफवाहों से बचें और इस पर ध्यान न दें। गोरखपुर से जनमत न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।